मैं नमस्कार, आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भारी तेजी होता हुआ हम लोगों ने देखा था लास्ट ट्रेडिंग डे में। एक समय तो ये तकरीबन 10% ऊपर जाकर के ये ट्रेड कर रहा था, और मार्केट में जब भारी बिकवाली आई तो ये स्टॉक भी तकरीबन 5% करेक्ट हुआ ऊपरी स्तरों से, और तकरीबन 6% के बढ़त के साथ ये क्लोजिंग दिया है। और मार्केट में भारी बिकवाली थी, उसके बाद भी ये अच्छे ऊपरी स्तरों पर ये जाकर के क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो इसने दोस्तों रिजल्ट की घोषणा की थी और उस पर मार्केट रिएक्शन दे रहा था। तो रिजल्ट कैसे आए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जो क्वार्टर फोर के नतीजे आए उसमें प्रॉफिट जो है 65% से हम लोगों ने घटते हुए देखे। तो ऐसे रिजल्ट आने के बाद तो जनरली स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो स्टॉक है वो ऊपरी स्तरों पर चल रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके रिजल्ट में ऐसा क्या खास है कि मार्केट ने इसके खराब रिजल्ट पर पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया? तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट में कौन सी अच्छाइयां थी जिसके चलते ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूँ, और मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक बारे में लगातार आपको रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके जो रिजल्ट हैं जिसको हम लोगों ने बीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा है, उसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके रिजल्ट में ऐसा क्या है कि रिजल्ट खराब आने के बाद भी इसके जो स्टॉक प्राइस है उस पर मार्केट पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, राइट साइड में ईयर एंडेड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे आंकड़े जो है वो दोस्तों लाख में है। और सबसे पहली बात दोस्तों कि जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उसके दो तरह के इनकम होते हैं। एक तो इनके जो नेट प्रीमियम इनकम होते हैं जो कि ये प्रीमियम से कमाती है, दूसरा जो इनकम होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से होता है। चूंकि इंश्योरेंस कंपनी का कोर बिजनेस प्रीमियम का होता है तो हम लोग प्रीमियम वाले पार्ट को ज्यादा तवज्जो देंगे, और मैं अपने वीडियो में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को जगह नहीं दूंगा और हम लोग सिर्फ इसके कोर बिजनेस पर बात करते हैं और इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके सेकंड नंबर वाले रो से जो कि नेट प्रीमियम इनकम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नेट प्रीमियम को देखें, कंपेयर करें, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसके जो नेट प्रीमियम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, इसमें हम लोगों को काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और ये जंप है दोस्तों तकरीबन 32% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको ईयर ऑन ईयर मिलान करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके जो नेट प्रीमियम है दोस्तों उसमें भी काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, और वो जंप है दोस्तों तकरीबन 13% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोर बिजनेस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, वो न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे ग्रोथ दिखाने में सफल रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको एनुअल रिजल्ट में देखें कि एनुअली ये क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इसके एनुअली जो टोटल नेट प्रीमियम इनकम है वो हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और वो कितना बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, ये तकरीबन 6% से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये पूरा कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में जो मार्केट के सेंटीमेंट है बिजनेस है वो काफी खराब है, उसके बावजूद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने नेट प्रीमियम इनकम को सालाना 6% की दर से बढ़ाया है, वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% से बढ़ाया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% से बढ़ाया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छा नेट प्रीमियम इनकम जनरेट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेट प्रॉफिट ये निकाल पाई है या नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इसके सीधे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट में कि कितना नेट प्रॉफिट निकाली है। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोग तकरीबन 79% का डीग्रोथ देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनके नेट प्रॉफिट
79% से टूटे हैं, जबकि अभी हम लोगों ने देखा था कि इनके जो रिवेन्यू है उसमें 32% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिला था। तो रेवेन्यू में तो जंप हुआ लेकिन नेट प्रॉफिट इनके गिर गए। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसके जो है रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी खराब देखने को मिले हैं। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके रिवेन्यू में क्या हो रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इनके रिवेन्यू में देखिए दोस्तों ये तकरीबन इसमें 64% का जो है लॉस देखने को मिला है, डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, लॉस नहीं डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफी तगड़ा डिग्रोथ देखने को मिला, जबकि अभी हम लोगों ने देखा था कि इनके रिवेन्यू में तकरीबन 13% का जंप देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो हम लोग ये पा रहे हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी काफी ज्यादा डिग्रोथ देखने को मिला है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी काफी ज्यादा डिग्रोथ देखने को मिला है। अब हम लोग इसके एनुअली देख लेते हैं कि एनुअल बेसिस पर ये क्या कर पाई है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि एनुअल बेसिस पर इनके जो नेट प्रॉफिट है इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट कितनी है दोस्तों, ये तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोग यही पा रहे हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो रिजल्ट आए हैं उसमें रेवेन्यू में तो हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके एक्सपेंडिचर को दोस्तों हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो टोटल इनका एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से इनके जो है प्रॉफिट जो है काफी गिरे हैं। और ये एक्सपेंडिचर किस कारण से बढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्चुरियल लायबिलिटी जो है यहाँ पर इनके काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो खर्च है वन टाइम खर्च है और इसका जो इम्पैक्ट है बाद में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट हैं वो खराब रहे हैं, लेकिन अब मार्केट में ऐसा क्या हुआ है, इसके रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ है जो कि मार्केट पॉजिटिव ले रहा है और इसके स्टॉक में हम लोगों को जंप देखने को मिला है, ऐसा क्या हुआ है उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो लाइफ टाइम के सेल्स फिगर उस पर अगर हम लोग ध्यान दें, तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं दोस्तों कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसने मार्च 2021 यानी कि FY21 में लाइफ हाई सेल्स रिपोर्ट किया है, ठीक है। और ये जो डेटा है दोस्तों ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है इस कोरोना काल में कि इस कंपनी ने अपना लाइफ हाई सेल्स रिपोर्ट किया है जबकि इसके नेट प्रॉफिट काफी गिरे हैं। उसके साथ ही कंपनी ने कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं जो कि उसको हम लोग देख लेते हैं जिस पर कि मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। तो वो बातें क्या है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा कि इसके रिवेन्यू हम लोगों ने जंप होते हुए देखे हैं तकरीबन 65% से, तो ये सबसे बड़ी बात है जिसको मार्केट पॉजिटिव साइड में ले रहा है। दूसरी बात है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB क्वार्टर ग्रू 26% ईयर ऑन ईयर टू 591 करोड़। तो ये VNB क्या है दोस्तों, ये जो फ्यूचर में इनका जो इनकम आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है। और इसका जो मार्जिन है दोस्तों ये 25.1% है जो कि पिछली बार ये 21.7% हुआ करता था। तो ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स है जो कि इसको आने वाले सालों में आईसीआईसी प्रूडेंशियल को मिलता रहेगा। और मार्केट कहीं ना कहीं इसी बात को पॉजिटिव लेकर के चल रहा है कि इस बार तो इनके रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट घटे हैं, लेकिन जब इस साल के जो बिजनेस आगे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होंगे तो आने वाले सालों में इनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मार्केट इसी चीज को पॉजिटिव लेकर के चल रहा है और स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर चार्ट में हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो मार्केट के जो सेंटिमेंट अच्छे थे तो ये स्टॉक जो निचले स्तरों से काफी ऊपर जाकर 516 पर जाकर के ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब मार्केट में गिरावट हुई तो ये स्टॉक पॉजिटिव ही बंद हुआ, 477 में बंद होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया मार्केट दे रहा है दोस्तों, हम लोग ये उम्मीद लगा करके रखेंगे कि ये स्टॉक इन स्तरों से अब ऊपर ही जाता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक में भी हम लोग खरीदारी करके ही चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे अवधि में ये स्टॉक जो है काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो इमीडिएट जो टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों
आपको 537 का देखने को मिल सकता है ऐसे प्रोडेंशियल में। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टारगेट तुरंत नहीं आने वाला है क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट खराब है। लेकिन जब भी मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे होंगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ से री रेट होता हुआ हम लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा। और जब री रेट होगा दोस्तों, तब हम लोग फर्दर इस पर वीडियो बनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ICICI प्रूडेंशियल का शेयर भाव कहां तक जा सकता है। फिलहाल हम लोग 537 के टारगेट को मान करके चले और इसी को अपना टारगेट। आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।